गुड मॉर्निंग क्लास 7 चैप्टर 5.3। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेस, बेस के प्रकार। यहाँ भी बेस के दो प्रकार हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दो प्रकार है। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की परिभाषा थी, ठीक उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की परिभाषा है। क्यों, उसमें क्या था, वहां एसिड में हाइड्रोजन आयन दे रहा था, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की बात आएगी। एसिड में हाइड्रोजन आयन H प्लस था, अब बेस में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस है। बाकी डिफिनेशन वही है, कैसे, बेसिस व्हिच कंप्लीटली चेंज इनटू हाइड्रोक्साइड आयन द OH माइनस एंड अदर करेस्पॉन्डिंग आयन्स आर अदर करेस्पॉन्डिंग आयन्स यहां से इनटू वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर बेस को पानी में डालिए और बेस के सभी मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल्स OH हाइड्रोक्साइड आयन और अन्य करेस्पॉन्डिंग आयन में अगर टूट जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। दो एग्जांपल हमने लिया है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से इसको बता रहा हूं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में आपने डाला, एक के प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने जल में डाला, एन ए प्लस OH माइनस में। तो देखो सब में OH माइनस क्या है, कॉमन है, इसीलिए यहां दिया गया है चेंजेस इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, सब में दिया है, लेकिन इनके लिए के प्लस, एन ए प्लस और भी प्लस आएंगे, इनके लिए कह दिया गया अदर करेस्पॉन्डिंग आयन अन्य आयन, ठीक है, इनके लिए अदर करेस्पॉन्डिंग आयन शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन का प्रयोग हुआ है। जिसको जल में डालिए वो पूरी तरह से उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं किसमें चेंज हो जाएं, OH माइनस आयन में और अन्य आयन में, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और वह बेस जिसको पानी में घोलने पर उसके सभी मॉलिक्यूल्स OH माइनस आयन और अदर करस्पॉन्डिंग आयन में नहीं टूटते, उन्हें क्या कहते हैं, वीक एसिड की में, जैसे सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में घोलेंगे तो NH4 प्लस OH माइनस देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सारे मॉलिक्यूल्स जो है NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाए, कुछ तो गड़बड़ी होगी भाई, जो केमिस्ट्री टीचर हम बताएंगे, आप लोगों को पता है कि मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, बेसिस व्हिच आर कंप्लीटली चेंज इनटू हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस एंड अदर करेस्पॉन्डिंग आयन्स इनटू वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस, बेसिस व्हिच डू नॉट चेंज कंप्लीटली इनटू द हाइड्रोक्साइड आयन एंड अदर करेस्पॉन्डिंग आयन्स इनटू द वाटर आर कॉल्ड वीक बेसिस। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आप को बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में क्यों ले आयन चेंज होगा, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बताना हो तो हाइड्रोजन आयन लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बताना हो तो हाइड्रोक्साइड आयन लिखेंगे, ठीक। वैसे ही वीक बेस में अगर वीक एसिड बताना हो तो
अगर एसिड बताना हो वीक एसिड तब हाइड्रोजन आयन लिखेंगे, अगर वीक बेस बताना हो तो हाइड्रोक्साइड आयन लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें आप प्लीज। बेटा आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारों के गुण यानी बेस के गुण प्रॉपर्टी। पहला तो आप बता दिया गया कि इट इज बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, ये स्वाद में कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसा लगता है। दूसरा दे मे और मे नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये भी दिखाया गया है आपको। बहुत सारे दो हाइड्रोक्साइड ऐसे दिखाए गए थे जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, बाकी सॉल्युबल है। वही कह रहा कि इट मे और मे नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में घुल भी सकता है, जल में नहीं भी घुल सकता। आगे बेसिस रिएक्ट विथ एसिड बताया गया, चाहे एसिड बेस से रिएक्शन करे चाहे बेस से एसिड से रिएक्शन करे, क्या बनता है सॉल्ट बनता है और वाटर, वही लिखा गया है। बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग बेसिस आर डेंजरस टू स्किन एंड ऑयल, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है जैसा कि बताया गया वो चमड़े वहाँ के लिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, उसे हाथ से नहीं छूना है। ठीक है, अब हम यूजेज में आते हैं। करा इट इज यूज टू ब्लीच, रंग उड़ाने में, कहीं जब दाग पड़ जाती है कपड़े पर तो एक आता है ना उस दाग को मिटाने वाला, बोलो भाई। या इंक रिमूवर आता है, इंक रिमूवर उसमें क्या होता है बेस होता है और स्याही क्या करता है उड़ा देता है। ठीक, फिर देखिए इट इज यूज्ड इन सोप, ये साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट समझ ही रहे हैं, मंजन ईटीसी एक्सेट्रा, इसका प्रयोग साबुन टूथपेस्ट आदि में किया जाता है। देखिए एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यह क्या है बेस है, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है एज एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या है, दवा है, जिसको डाइजीन बोलते हो, क्या बोलते हो डाइजीन। क्यों खाते हो आप डाइजीन, डाइजीन आप इसलिए खाते हो क्योंकि जब आप ज़्यादा तेल युक्त मसाले वाली चीज ना जब आप खाते हो तो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बन जाता है। क्या बनता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो आप कहते हैं गला जल रहा है ना, फिर क्या रहा है डकार आ रही है, खट्टी डकार आ रही है। जब आप कहते हो तो डॉक्टर समझ जाता है कि कुछ तेल मसाला ज़्यादा खा लिया है, इसके पेट में HCl बन गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है। ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, बेस से। तो उसको आपको भिन्न भिन्न नामों से, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है भिन्न भिन्न नामों से, वही आपको खिला देते हैं। वैसे कहा जाता है चूसिए धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे आप उसको चूसते हैं तो वो बेस जो है घुल करके स्टोमक में जाता रहता है और एसिड को क्या करता है ख़त्म करते रहता है और लास्ट में पूरा एसिड और बेस समाप्त हो जाता है। तो क्या बन जाता है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। ठीक, तो आप कच्ची डकार बंद, गले का जलना बंद। ठीक है, ये एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एंटासिड। एक चीज है, घर में सफेदी लगवाते हो ना, चूना ले आते हो पानी में डालते हो जब ठंडा होता है तो उसी को जो है लेकर के दीवार पेंट करते हो ना, उसका क्या नाम है जो चूना आप मार्केट से खरीद कर लाते हो, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो, क्या है वो बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो। ठीक है, उसी को ला करके पानी में भिगो कर नील उन डाल करके आप व्हाइट वॉश करते हो। भाई जमाना बदल रहा है, धीरे धीरे लोग पेंट करवा रहे हैं, लेकिन अब भी हो रहा है। तो जो बाजार से चूना लाते हो घर को रंगने के लिए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वह बेस है। भाई लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, इसको नोट कर ले प्लीज।
अब अगला टॉपिक है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर लगता है पीछे ना, तो जलाते हैं तो पीछे वाले को आगे वाले को पता चलता है कि यह गाड़ी दाहिने मुड़ने वाली है या बाएं मुड़ने वाली है, लेफ्ट में जाने वाली है या राइट में जाने वाली है, ये तो पता चल जाता है इंडिकेटर से। उसी तरह से इंडिकेटर एक पदार्थ होता है जो यह बता देता है कि यह इस पदार्थ में एसिड मिला हुआ है या बेस मिला हुआ है। इसको कौन बताता है, या यह पदार्थ एसिड है या बेस है। भाई आपको वहाँ से सुना नहीं है, कैसे पता करेंगे कि एसिड है कि बेस है, उसके लिए इंडिकेटर होता है। उसी इंडिकेटर से हम लोग पता कर लेते हैं। अब देखिए पहले इंडिकेटर क्या है। द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू टेस्ट, जांच करने के लिए एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर। वह पदार्थ जिसका प्रयोग पदार्थ के एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर तीन है। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर कैसे हैं, टर्मेरिक, लिटमस पेपर, रेड कैबेज लाल गोभी, ठीक है, चाइना रोज एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं। कैसे इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल प्राकृतिक है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे आपकी हल्दी है, इसका कलर क्या होता है, येलो, क्या होता है, येलो। अगर आप इस पर बेस डाल दें, क्या डाल दें, बेस, बेस डाल देंगे तो यह पिंक या रेड हो जाएगा, पिंक हो जाएगा या क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, गुलाबी या लाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर एसिड डालेंगे टर्मरिक पर, तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कलर परिवर्तन नहीं हो रहा तो कह लोगे एसिड है, और अगर कलर में परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, अगर पिंक या येलो हो रहा है तो क्या है, बोलो तो क्या है, वो बेस है। ध्यान दीजिए, अभी आप के हाथ में हल्दी लगी हो और साबुन से धोइए, देखिए आपका हाथ लाल हो जाएगा। या जनेऊ पहनते हैं आपके घर वाले, इस जनेऊ में हल्दी लगी होती है, जैसे ही इस पर साबुन जाता है लाल हो जाता है। मतलब साबुन में क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। जब बेस हल्दी से, हल्दी के संपर्क में आएगा तो हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और अगर एसिड रहेगा तो वह लाल नहीं होगा। इसी तरह से लिटमस पेपर भी रिजल्ट देता है, रेड कैबेज भी देता है, और चाइना रोज, ठीक है, इन सबका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यह पहचानने के लिए किया जाता है कि यह पदार्थ बेस है या एसिड, या इस पदार्थ में एसिड मिला हुआ है या बेस, इसका पता लगाने के लिए नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक, लिटमस पेपर, रेड कैबेज और चाइना रोज का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सिंथेटिक, जिसको हम बनाते हैं, इसे मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू, ये सब कंपनियों से बन के आते हैं। इनका भी प्रयोग क्या होता है, एसिड और बेस को पहचानने के लिए। एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, पीएच स्केल, क्या है, पीएच स्केल। इसको आप आगे पीएच स्केल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पीएच स्केल। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स जान गए ना, क्या करता है इंडिकेटर, केवल पहचान कराता है कि इस पदार्थ में एसिड मिला हुआ है या इस पदार्थ में बेस मिला हुआ है, ठीक है, या यह पदार्थ एसिड है, यह पदार्थ बेस है। इसका पता लगाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर का तीन प्रकार हमने बताया, एक नेचुरल, ये नाम बता दिए, सिंथेटिक जो हम लोग बनाते हैं, पीएच स्केल भी हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है पीएच स्केल, इसीलिए कहा यूनिवर्सल स्केल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।